हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में नौतपा कब से कब तक रहेंगे और साथ ही जानेंगे इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार साल में 9 दिन ऐसे आते हैं जिन्हें नौतपा कहा जाता है। ज्येष्ठ मास का महीना भीषण गर्मी का होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार नौतपा लगते ही मौसम भी बदल जाता है। दोस्तों, इस दौरान गर्मी भी बढ़ती है, इस मास में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में नौतपा कब से कब तक रहेंगे और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं नौतपा कब से कब तक रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार साल 2024 में ज्येष्ठ मास की शुरुआत से ही सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ नौतपा की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, सूर्यदेव 25 मई को सुबह के 3:16 पर रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में 25 मई से लेकर 8 जून तक की समयावधि नौतपा की रहेगी। अब जान लेते हैं नौतपा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस दौरान बिना कुछ खाए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नौतपा के दौरान महिलाओं को अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। इस अवधि में सूर्यदेव की पूजा करना लाभकारी होता है। दोस्तों, इन दिनों सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। तली भुनी और मसालेदार चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बासी भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। दोस्तों, नौतपा के इन 9 दिनों में पेड़ पौधे लगाने और उन्हें सींचने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार नौतपा में गरीब और जरूरतमंदों में ऐसी चीजों का दान करें जो गर्मी से राहत देती हों। इस समय अन्न, जल, सत्तू, पंखा, घड़ा, मौसमी फल, वस्त्र, छाता और जूते चप्पलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ दोष दूर होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।